हम आज यहाँ पर बेसन का भरड़ा बनाने जा रहे हैं और ये मम्मी शोभा गोधा नासिक से आई हुई है। उनके हाथ के भरड़े बहुत ही फेमस है, तो आज वो बनाने जा रही है बेसन का भरड़ा। उसके लिए हम लेंगे एक बाउल बेसन, तेल, जीरा पाउडर, सेंधा नमक, साबित जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम पानी। थाली में डालेंगे एक बाउल बेसन जो लिया है हमने, उसके बाद उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा और डालेंगे, बेसन ज़्यादा है, सेंधा नमक 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, तेल डालेंगे उसमें 3 चम्मच तेल डाला है हमने खुला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर लेंगे और अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा सा तेल लेकर उसे अच्छे से गूंथ लेना है आटे को, छोटी छोटी लोई तोड़कर रोल बना लेना है। इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। गैस पर हमने पानी उबालने रख दिया है गट्टे उबालने के लिए। इस तरह हमारे सारे रोल बन चुके हैं, इसे हम अब बॉईल करेंगे। रोल हमने इस उबले हुए पानी में डाल दिए हैं, इसे हमने ऐसे अच्छे से सुधार लेना है। इसमें हमने 3-4 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डालना है, कद्दूकस किया हुआ खोपरा डाला है, 1/2 चम्मच मिर्ची डालना है, 1/2 चम्मच नमक डालना है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है। इसे हिलाकर जो हमने गट्टे बना के रखे हैं ये इसमें ऐड करना है। इस तरह हमारे